दिस गिव्स बर्थ टू मोनोपोली. मतलब जैसे कि अगर कोई फर्म है, उसने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफी साल मेहनत करी, मार्केट को स्टडी किया, रिसर्च करी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस IAS. गाइस, इन द सीरीज ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, हियर इज अनदर वीडियो. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोपोली. मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली देखते हैं क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं UPSC में पास्ट ईयर में मोनोपोली के. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोनोपोली. सो सी गाइस, मोनोपोली एक्चुअली होती क्यों है और होती क्यों है, से पहले ये जानना जरूरी है कि मोनोपोली होती क्या है. मोनोपोली उस स्टेट को बोलते हैं जब किसी भी एक इंडस्ट्री में, किसी भी एक सेक्टर में, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, ठीक है, मेडिसिंस, तो वहां पर कोई एक फर्म है जो कि सिंगल सेलर है. मान लीजिए मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर लेता हूँ. मान लीजिए जैम बनाने की कोई कंपनी है, ब्रेड जैम, तो जैम बनाने की कंपनी में, तो जैम एक सेक्टर हुआ, एक इंडस्ट्री हुई, उसमें सिर्फ एक ही फर्म है, PP जैम. ओके, जस्ट एन एग्जांपल. सो ये एक जैम की कंपनी है और वही एक कंपनी है जो जैम बना रही है और कोई दूसरी कंपनी नहीं है. या फिर एक तो ये कंडीशन हो गई, या फिर सिंगल सेलर वाली कि सिर्फ पीपी जैम अपना जैम बना रही है. या फिर ये भी हो सकता है कि और भी जैम बनाने की कंपनीज हैं, लेकिन मार्केट, अगर हम 100% सिनेरियो लें मार्केट शेयर्स का, तो मेजर पोर्शन ऑफ शेयर पीपी जैम के पास है. यानी कि अगर 55-60% जो मार्केट का एरिया है वो कौन कवर कर रहा है, वो पीपी जैम कवर कर रहा है, उसका मार्केट होल्ड ज़्यादा है. और अगर हम टेक्निकली बात करें तो अगर किसी एक पर्टिकुलर फर्म के पास 25% या अबव मार्केट शेयर होता है, तो उसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं उस सेक्टर की. क्योंकि आप समझिए, एक सिंगल फर्म 1/4 ऑफ द मार्केट को कैप्चर करे है एंड रिमेनिंग 75% इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर फर्म्स, तो वो एक सिंगल फर्म मोनोपोली बन गई. ठीक है ना, तो हमें समझ में आया कि एक्चुअली मोनोपोली होती क्या है. अब बात करते हैं कि मोनोपोली बन कैसे जाती है कोई फर्म, क्या कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोई भी फर्म मोनोपोली बन जाती है. तो जी हाँ, कंडीशंस हैं. और कंडीशन क्या है? कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन की. जब भी मार्केट रेस्ट्रिक्शंस में ऑपरेट करेगा तो मोनोपोली इमर्ज कर जाएंगी. रेस्ट्रिक्शंस किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन जो इसमें आता है वो है पेटेंट या फिर कॉपीराइट. दिस गिव्स बर्थ टू मोनोपोली. मतलब जैसे कि अगर कोई फर्म है, उसने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफी साल मेहनत करी, मार्केट को स्टडी किया, रिसर्च करी, और कोई एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप किया, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया. मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, उसने लोगों के टेस्ट का कॉग्निजेंस लिया और उसने एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जो कि मार्केट में कोई भी दूसरा ब्रांड वैसी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वैसा फ्लेवर, वैसा फिज नहीं प्रोवाइड कर रहा है. तो अब क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में कोई प्रोटेक्शन ना मिले इस पर्टिकुलर फर्म को, जिसने इतनी मेहनत के बाद, इतनी रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला डेवलप किया, तो क्या होएगा? तो बाकी फर्म्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगी, और जब वो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगी तो वो लोग भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, राइट? और जब वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो इस फर्म ने जो इतनी मेहनत करी थी, इसका फॉर्मूला तो कॉपी हो गया, चोरी हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचेगा ना. फिर दिस फर्म विल नॉट गेट द ड्यू शेयर ऑफ इट्स हार्ड वर्क. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था करी है, अरेंजमेंट करी है, जिसको कि हम पेटेंट या कॉपीराइट कहते हैं. कॉपीराइट या पेटेंट के अंदर क्या होता है, जिस फर्म ने इतनी मेहनत करके एक पर्टिकुलर चीज़ डेवलप करी है, उसको कुछ साल के लिए, 5 years, 10 years, 15 years, etc.,
डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, उसको पेटेंट मिल जाता है। यानी अब लीगली कोई भी दूसरी फर्म उस सेक्टर की उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकती। और जब कोई और फर्म नहीं यूज कर सकती तो इस फर्म के पास क्या हुआ, इट विल बी द सिंगल सेलर ऑफ दैट गुड और प्रोडक्ट, राइट? तो ये फर्म क्या बन गई, मोनोपोली बन गई। समझ गए बात। सेकेंड फैक्टर या रेस्ट्रिक्शन जो इसमें है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत होती है फर्म को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है तो आप उस सेक्टर में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का जो फैक्टर है ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फर्म को उस सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस मिल गया, सो नाउ अगेन दैट फर्म इज द सिंगल सेलर इन दैट सेक्टर। अंडरस्टूड। एक और फैक्टर है, वो है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। मान लीजिए किसी गुड को बनाने के लिए कुछ एक्सक्लूसिव रॉ मटेरियल लगता है और एक फर्म है उसके पास उस रॉ मटेरियल पे कंट्रोल है। हो सकता है उसकी लैंड में ही वैसा रॉ मटेरियल आता हो, वो कोई लैंड ओन करती है और उस लैंड में ही वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता हो या पाया जाता हो, या उसके पास कोई और एडवांटेज हो उस रॉ मटेरियल को लेकर के। ओवरऑल उस फर्म के पास कंट्रोल है उस रॉ मटेरियल का, ठीक है ना। तो जब कंट्रोल है तो यही फर्म वैसा प्रोडक्ट बना पाएगी, तो ये मोनोपोली बन जाएगी। यस और नो। एक और फैक्टर जो है बहुत क्रूशियल वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। किसी फर्म के पास इंट्रिंसिक एडवांटेज होता है कि वो कोई एक गुड प्रोड्यूस कर रही है तो वो उस पर्टिकुलर गुड को बहुत सस्ते में, बहुत लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर देगी, जबकि बाकी फर्म्स उस गुड को हायर कॉस्ट में प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर कोई एक फर्म जिसके पास ये एडवांटेज है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, वो कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, तो अपने गुड को वो लेसर प्राइस में सेल भी करेगी। और जब वो लेसर प्राइस में सेल करेगी तो उसके पास पता है ये एडवांटेज आ गया कि नहीं आ गया, राइट? चलिए, ये तो हो गई वो रेस्ट्रिक्शंस या रीजंस जिसकी वजह से मोनोपोली का जन्म होता है। अब मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो डियर इसमें ये है कि यहां पर सिंगल सेलर होता है। गेटिंग मी? यहां पे सिंगल सेलर होता है। उसके बाद यहां पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सिंगल सेलर, एक सेलर है पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। प्राइस मेकर, ये फर्म प्राइस मेकर है, इट इज मेकिंग द प्राइस, ही प्राइस डिसाइड कर रही है मार्केट में। मैंने आपको बताया जब मेजर पोर्शन ऑफ शेयर, आप मिनिमम क्राइटेरिया भी ले लीजिए 25% को 1/4 होता है 100% का, मेजर चंक ऑफ शेयर अगर किसी फर्म के पास है तो वो जिस प्राइस पे अपना गुड सेल करेगी, बाकी फर्म्स ऑब्लाइज्ड होंगी उसी प्राइस पे सेल करने के लिए। दैट इज व्हाई वी से दैट मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर। और हम लोग देख भी चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, ये मोनोपोलिस्टिक पावर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज किसी दूसरे फर्म की एंट्री या एग्जिट पे रेस्ट्रिक्शन होता है, वो नहीं एंटर कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो हैं अब मतलब फिजिकल बैरियर बना के बैठे हैं या ऐसा उसको थ्रेटन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि जो मोनोपोली है उसके पास इतना मेजर चंक है मार्केट का, या फिर वो इतने लो प्राइस पे सेल कर रही है,
कि बाकी फर्म्स के पास या उसका रॉ मटेरियल पे कंट्रोल है, बाकी फर्म्स इन चीज़ों को मैच ही नहीं कर पाती हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर होती है तो उनका प्राइस ऑफ द गुड हायर हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फंडा आ जाएगा, ठीक है ना, या उनके पास वो एडवांटेजेस नहीं होंगे जिस पर मोनोपोलिस्ट ऑलरेडी बैठ रहा है, ठीक है, तो ये सारी फर्म के लिए बहुत कठिन हो जाएगा मार्केट में एंटर करना। इसीलिए बोला गया रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इस पर हम लोग ऑलरेडी मोनोपोली में वीडियो बना चुके हैं कि मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, सेम गुड को अलग अलग प्राइसेस पे बेच सकता है अलग अलग कस्टमर्स को, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए एक एस्पेक्ट मोनोपोली का जो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, MR जो होगा यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू, वो मोनोपोली के अंदर में विल बी लेस देन द प्राइस। MR विल ऑलवेज बी लेस देन द प्राइस एंड MR विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे MR इज इक्वल टू पी इंटू वन माइनस वन बाय ई, वेयर ई इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग जानते हैं पीक यानी प्राइस क्या होता है, प्राइस इज योर एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू, यस और नो। तो पी को सब्सटीट्यूट कर दें अगर हम AR से, तो एक और फॉर्मूला हमें मोनोपोली के अंदर में मिल जाएगा, MR इज इक्वल टू AR वन माइनस वन अपॉन ई, राइट। और एक और चीज आप देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मालूम है MR इक्वल्स टू MC, सो यहाँ पर एक और फॉर्मूला ऑब्टेन होता है कि MC इक्वल्स टू AR वन माइनस वन बाय ई, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलेज हैं हमारे मोनोपोली के, ठीक है। अब जरा सा मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ कि हमें बैकग्राउंड एक्चुअली पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, डिराइव कैसे हुए हैं, सो डेरिवेशन देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड व्हेन एडिशनल गुड इज सोल्ड, सो इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दैट्स व्हाट योर मार्जिनल रेवेन्यू इज। सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू विल बी, और मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी रिफर, ध्यान दें, चलिए पहले ऐसे देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू एक्चुअली क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है टोटल रेवेन्यू, पी इंटू क्यू, यस और नो, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे डेल्टा का यूज करता हूँ, डेल्टा का, क्योंकि मैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, तो इट विल बी डेल्टा पी इंटू क्यू, ठीक है। चेंज इन टोटल रेवेन्यू विल बी चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल करके पहले P को कांस्टेंट रखूं, एंड दिस विल बिकम डेल्टा Q, फिर मैं Q को कांस्टेंट रखूं, एंड दिस विल बिकम डेल्टा P, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए इस वाले जो एक्सप्रेशन है इसको मैं वन बोल देता हूं, एक्सप्रेशन वन को आप जस्ट डिवाइड कर दीजिए डेल्टा क्यू से, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो पी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू, राइट। सो डेल्टा क्यू हमारा कैंसिल हो गया, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू विल बी पी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू, ये एक्सप्रेशन ऑप्टेन हो जाएगा, राइट। यहाँ से पी को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से पी को कॉमन ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, व्हेन यू टेक पी कॉमन इट विल बी वन प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू इंटू क्यू, और यहाँ पे पी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेकेंड एक्सप्रेशन के सेकंड पोर्शन, इसको देखिए यहाँ पे पी नहीं लिखा हुआ था पर आप पी कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। अच्छा एक चीज ध्यान करिए, मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, राइट, इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, राइट।
ये क्या है, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा की यानी इसका इनवर्स, अगर मैं 1 बाय ई को ऐसे लिख दूं, डेल्टा पी माइनस टाइम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू बाय पी, यही चीज़ आ गई। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो कोई इशू नहीं, माइनस साइन को आप उठाइए और यहाँ लगा दीजिए, तो माइनस वन बाय ई इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्यू बाय पी, यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस वन बाय ई से, चलिए रिप्लेस कर देते हैं। सो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू वन माइनस वन बाय ई, मिल गया हमें एक्सप्रेशन, क्योंकि डेल्टा टी आर बाय डेल्टा टी डेल्टा क्यू क्या था, एम आर, सो एम आर इज इक्वल टू पी इंटू वन माइनस वन बाय ई, ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे मोनोपोली क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, हाउ मोनोपोली अराइजेस एंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन इन मोनोपोली, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। थैंक यू।